नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा खन्ना और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। जैसा कि आपने टॉपिक और थंबनेल देखा, उससे आपको पता चल गया होगा कि आज मैं फिर से एक घरेलू उपाय लेके आ रही हूँ और घरेलू बचत का ही हिस्सा है ये। मैं हमेशा अपने वीडियो में छोटी छोटी बचत के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ। उसी में से एक ये भी है कि घर में बचत कर कर आपको घर की ही चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आलू के छिलके का रीयूज़। आलू के छिलके में इतना फ़ायदा है जो कि आप नहीं सोच सकते हो। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि कैसे आलू के छिलके से आप अपने बालों का केयर कर सकते हो, अपने बालों को काला कर सकते हो। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर कर ज़रूर जाइएगा, कमेंट्स कर कर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर कर। तो दोस्तों, जब आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो कुछ लोग कैंची उठाकर उसे काटने लगते हैं, वहीं कुछ पार्लर जाकर इस पर महंगे हेयर कलर लगवाते हैं, वहीं कुछ सस्ते में काम निपटा लेते हैं हेयर डाई लगाकर। लेकिन आप इनमें से कोई भी उपाय करें अपने बालों को, पर ये ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बालों को काला करें वो भी प्राकृतिक तरीके से, वो चीज़ हम बताने वाले हैं जिससे आपके बाल काले ही नहीं होंगे, आपके बाल हेल्दी भी होंगे। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे घरेलू नुस्खे से आप अपने घर पे ही बाल को काले कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के लगभग हर किचन में आपको आलू ज़रूर मिल जाएंगे। आलू सभी की प्रिय सब्जी होती है। जब हम आलू बनाते हैं तो उसके छिलके को निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू का छिलका आपके बालों को भी काला कर सकता है? दरअसल इसके अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, स्टार्च के प्राकृतिक रंग होते हैं। सभी ही आलू के छिलके में विटामिन ए, बी और सी उपस्थित होता है जो आपके स्कैल्प पर जमे तेल को हटा देता है और आपको डैंड्रफ की समस्या से भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त आलू में आयरन, जिंक, पोटेशियम और कैल्शियम सहित कई अन्य खनिज पदार्थ होते हैं जो आपके बालों को गिरने से रोकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको कुछ आलू के छिलके निकाल लेने हैं और एक बर्तन में इसे डालकर अच्छे से साफ कर लेना है। अब इसमें एक कप पानी डालकर गैस पर 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर चढ़ा दें। देखिएगा इसका रंग बदलने लग जाएगा और पानी में देखिएगा कलर छोड़ने लग जाता है। तब तक आपको इसको पकाना है अच्छे से और पानी भी देखिएगा आप जो डाले हैं वो आधा हो जाए उबलते उबलते। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें। अब इस पानी को एक छन्नी से छान लें और अलग कर लें। यदि आप आलू के छिलके में आ रही तेज गंध को कम करना चाहते हैं तो इस पानी में कुछ बूंद लेवेंडर ऑयल मिला दें। इस मिश्रण को आप साफ और गीले बाल में लगाएं। याद रखिएगा, जब भी आप इसे लगा रहे हैं तो इसको लगाने से पहले आप शैम्पू ज़रूर करें, उसके बाद ही इसे अप्लाई करें, इससे अधिक फ़ायदा होगा। आपको करना यह है कि आलू के छिलके के इस पानी को अपने सिर की 5 मिनट तक, सिर में मीन्स अपने सिर में 5 मिनट तक मसाज करना है। इसके बाद इसे आधे घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। अब ठंडे पानी से अपने बाल को दोबारा धोएं। इस उपाय को आप हफ्ते में 1 से 2 बार करें। इसे नियमित इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा और आपका ये जो उपाय मैंने बताया है, अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर रहे हैं तो आप देखिएगा 1 से 2 हफ्ते में आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। और ये मैंने पर्सनल यूज़ किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करें और उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट्स कर कर बताएं कैसा लगा आपको ये उपाय। तो दोस्तों, आज भी मैंने इसी चीज़ पर फोकस किया है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे घर पे ही बचत कर कर घर के चीज़ों से अपनी यूज़फुल चीज़ को घर पे ही ढूंढ सकती है। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है और बहुत हेल्पफुल है हेयर के लिए, तो इसे यूज़ करिएगा ज़रूर।